कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक विनोद चतुर्वेदी ने कलेक्ट्रेट परिसर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी उर्मिला सोनका चुनाव मैदान में उनके समर्थक सदस्यों के खिलाफ सत्तारूढ़ दल के नेताओं के दबाव में फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। नेताओं के दबाव में फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं, उनके परिजनों को पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस नेता विनोद चतुर्वेदी ने कहा कि सदस्यों को प्रत्याशी के पद पक्ष मतदान न करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, जिससे निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद नहीं है। इसके साथ ही स्वयं प्रत्याशी और उनके परिजनों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। इस मौके पर सपा जिला अध्यक्ष नवाब सिंह यादव, जिला अध्यक्ष कांग्रेस राजीव नारायण मिश्रा, लालू शेख, अरविंद सेगर, डॉक्टर रेहान सिद्दीकी और आदि लोग रहे। और ये मीडिया के सामने मैं ये शपथ पत्र पेश कर रही हूँ और मैं आपके साथ अपने पूरे होशो हवास में आपके सामने इस बात का ऐलान करती हूँ कि मैं अपना स्वीकृत जिला पंचायत अध्यक्ष का नामांकन पत्र किसी भी सूरत में नहीं लूंगी। कोई देता है वो मैडम से आपको क्या आश्वासन मिला है, आप उनसे बात करने गई थी? मैं डीएम मैडम ने कहा कि नियमानुसार कार्रवाई होगी, लेकिन मैं उस आश्वासन का लेकर क्या करूं जब उनके सामने ही सीडीओ महोदय द्वारा ये कहा गया कि आज आपका मन नहीं है, कल आपका मन हो जाए, कल आप किसी को भेज दें। समर्थकों को भी परेशान किया जा रहा है क्या? हाँ, ये पूरा सारी इसको मीडिया जानती है, पूरे जनपद के लोग इस तरह जान रहे हैं कि जो मेरे समाजवादी जिन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया है उसमें समाजवादी समर्थित प्रत्याशी श्री निर्दोष जिला पंचायत सदस्य बबीना, श्री देवेंद्र सोनी जिला पंचायत सदस्य गोहन, इनको फर्जी इनको नोट्सें दी गई हैं। जहां तक मुझे और भी जानकारी विश्वस्त सूत्रों से मिली है कि जो नोट्सें चस्पा की गई हैं उसमें अशोक की लाट है। जहां तक मुझे ये पता है कि सम्मानित अशोक की लाट नोटिस में नहीं रहती है, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है, मैंने उसको देखा नहीं है।